हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिमी। आप सबके लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। फ्यूचर में भी ऐसे लव एंड सपोर्ट बना के रखना प्लीज। इस वीडियो पे आप देखेंगे बहुत ही प्रीटी हैंड पेंटेड डिजाइन सूट के ऊपर। इस डिजाइन को ही आप वीडियो पे देखेंगे, बट इस डिजाइन को करने के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा टाइम की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी वर्क है और इसको करने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा टाइम चाहिए। इस डिजाइन को मैंने एक प्लेन व्हाइट कुर्ती के ऊपर किया है। आप भी ऐसे आपके कोई प्लेन ड्रेस के ऊपर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मार्क कर लेना है। मैं यहाँ सारे इंच करके स्क्वायर शेप में मार्क कर रही हूँ। पेंसिल से मार्क कीजिए। अब चारों कॉर्नर पे हाफ इंच एक्स्ट्रा करके हमें ऐसे मार्क करना है चारों कॉर्नर पे ही। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मरून एक्रेलिक कलर और ब्रश के लिए 4 नंबर राउंड ब्रश। ब्रश के बैक साइड पे कलर लेके हमें ऐसे राउंड शेप करना है। अब इसके साइड पे हमें यूज़ करना है अल्ट्रामेरिन ब्लू एक्रेलिक कलर। आप अपने पसंद के कलर भी यूज कर सकते हैं। अब ऐसे ब्रश को प्रेस करके पीछे ले लीजिए। चारों कॉर्नर पे ही ऐसे सेम होगा। अब हमें यहाँ वर्ली पेंटिंग फिगर को पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लेना है। एक मेल फिगर, एक फीमेल फिगर, एक बेबी फिगर और यहाँ पर और एक फीमेल फिगर। अब मैं यूज़ कर रही हूँ 0 नंबर राउंड ब्रश और ब्लैक एक्रेलिक कलर। अब बिना पेंसिल से ड्रॉ करके ऐसे भी कर सकते हैं ब्रश से। ये पेंटिंग करने में आपको थोड़ी सी ज़्यादा टाइम चाहिए, पर आफ्टर पेंटिंग ये बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही हमें चारों साइड पे सेम पेंटिंग करना है। अब हमें इस लाइन को ब्लैक एक्रेलिक कलर से ऐसे इस लाइन के ऊपर हमें ड्रॉ करना है। आप ऐसे ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, नहीं तो सेलो टेप की मदद से भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पिंक कलर की सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ वीडियो में दिखाने के लिए। ऐसे साइड पे भी आपको ऐसे सेलो टेप लगाना है। बस इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए। अब इसके अंदर ऐसे आप कलर भी कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से ड्राई होने दीजिए, उसके बाद ही सेलो टेप को आपको उठाना है।
मैं यह वीडियो के लिए जल्दी कर रही हूँ, बट अब ड्राई होने के बाद ही कीजिए। ये अच्छे से नहीं हुआ, मैंने जल्दी उठाई इसलिए। अब इसके अंदर ही हमें और एक स्क्वायर शेप करना है। ब्रश में पानी था इसलिए कलर स्प्रेड हो रहा है। अब अच्छे से ब्रश की हेयर को अच्छे से टिश्यू पेपर या कॉटन के कपड़े से पोंछ के फिर यूज़ कीजिए। इसका भी सॉल्यूशन है वाइट एक्रेलिक कलर, ये साइड पे यहाँ दे दूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ अल्ट्रामेरिन ब्लू एक्रेलिक कलर। अब मेरिन एक्रेलिक कलर से ऐसे हमें पेंटिंग करना है। अब ब्रश के बैक साइड पे कलर लेके ऐसे छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स करना है। अब इसके अंदर भी वार्ली पेंटिंग की फैमिली हमें पेंटिंग करना है। पहले मेल फिगर, अब एक बेबी फिगर। आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। आफ्टर पेंटिंग ये बहुत ही खूबसूरत है। आप कोई भी प्लेन ड्रेस के ऊपर ऐसे कर सकते हैं, लॉन्ग ड्रेस के ऊपर भी कर सकते हैं, सूट के ऊपर, टॉप के ऊपर, कुर्ती के ऊपर भी कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Bye.